मिशन स्कूल गुड्डा के कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी, हम हिंदी के पाठ 13 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पानी की खुशहाली। पानी हमें प्रकृति द्वारा फ्री में मिलता है, उसे हम जल स्रोतों से प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें ये पढ़ने के लिए इसलिए दिया गया क्योंकि हम पानी को का दुरुपयोग करते हैं, पानी को बर्बाद बहुत करते हैं। तो इसमें एक कहानी है, एक नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत जो नाटक है वो एक अंक की है। नाटक भी 4 अंक का, 8 अंक का, 5 अंक का, 7 अंक का, इस तरह होता है, लेकिन ये जो आपके पाठ 13 में दिया गया है ये एक नाटक के रूप में कर रहे हैं। इसके पास हैं एक राजा है, एक मंत्री है और एक द्वारपाल है। साथ में मंत्री के साथ एक मंत्री और राजा जब गांव में भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक ग्रामीण जो है वो नहा रहा होता है, नहाते हुए वो पानी बंद नहीं करता है, पानी बहा रहा होता है। उसको राजा और मंत्री दोनों टोकते हैं, तो ऐसी कुछ बातें करता है जो सब मतलब ज़्यादातर ग्रामीण इस्तेमाल करते हैं। गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर के वो जो समझाने का प्रयास करता है मंत्री को, उसके लिए वो कहता है कि पानी क्या तुम्हारे बाप का है, इस तरह के शब्द प्रयोग करता है। तो फिर वहाँ महाराजा जो हैं वो राजा भी होते हैं, वेश बदल कर घूम रहे होते हैं, तो वो जो करते हैं वो उसे समझाते हैं, कहते हैं कि तुम तो गलती कर रहे हो, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हो, अर्थात तुम हमारे साथ जो कर रहे हो ये इस तरह का काम है जिस प्रकार से कोई चोरी किया हो और उसी को डांटे जो उस बर्तन को पकड़ने गया हो, अर्थात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की बात करता है। और आगे देखते हैं कि एक तालाब है, तालाब में जो है एक ग्रामीण भैंस को, भैंस वाला है वो, भैंस ले जाकर नहला रहा होता है, तो उसे देखकर भी उन्हें लगता है कि बताइए पूरा तालाब का पानी भैंस को घुसेड़ कर नहला रहा है, तो पूरा तालाब का पानी गंदा कर रहा है। इस तरह की जो एक बात होती है, इसको देखकर वो ग्रामीण, वो जो भैंस वाला है उससे भी वो बात करते हैं और कहते हैं कि इस तरह तुम नहला रहे हो भैंस को, तो सारा पानी तालाब का गंदा कर रहे हो। आपको वो भैंस वाले कहते हैं कि आपको पता है यहाँ भैंसों को नहलाने से और कपड़ों को धोने से, अर्थात ये जो तालाब है तालाब के में कपड़े अगर आप भिगो भिगो के उसी में डाल डाल कर धोते हो तो पूरे तालाब को दूषित कर देते हो, अर्थात गंदा कर देते हो उसके पानी को। उसी वक्त एक महिला वहाँ आ जाती है और वो महिला क्या करती है, महिला उसी तालाब से पानी भरने लगती है, तो पानी भरता देखकर उसे मंत्री रोकता है और कहता है यहाँ से पानी भर रही है, ये पानी तो खराब है, गंदा है, दूषित है। तो महिला कहती है क्या करें भैया, कुएं पर जाने से डर लगता है और कुएं में क्या है कि जगत नहीं बनी। जगत का मतलब कहते हैं जगत होता है कुएं की चार दीवारी जो कुएं में हमें जाने के लिए तो सुरक्षा प्रदान करती है कि हम उसमें गिर न जाएं पानी निकालने में, इसके लिए वो चार दीवारी बनाई जाती है, उसी को जगत कहते हैं। इस तरह वो तलैया से पानी भर लेने की बात करती है कि मैं इसीलिए इस तलैया में चली आई हूँ, और तलैया मतलब छोटा तालाब को कहते हैं। तो छोटा तालाब जिसमें वो भैंस धो रहा था, जिसको रोका था उन्होंने भैंस धोने से और उसे समझाया था, वही वो पानी भरने आती है। तो वो बताती है कि इस कारण से मैं पानी यहाँ भरने आई हूँ। तब फिर वहाँ पर राजा जो भेष बदले हुए रहते हैं साथ में, वो राजा महाराज बोल पड़ते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, कुएं में चारों तरफ से दीवार होनी चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। तभी मंत्री बताता है कि शायद आपने महाराज अखबार में देखा होगा, एक खबर छपी थी कि हरियाणा के एक कुएं में एक बबलू नाम का बालक गिर गया था, जिसको बड़े बुद्धिमानी के साथ समय रहते वहाँ के ग्रामीणों ने, वहाँ के लोगों ने निकाल लिया था, जिसकी वजह से वो उसकी जान बच गई। तो इसीलिए फिर महाराज देख जब ये बताते हैं तो महाराज कहते हैं कि पानी के स्रोत से हमें सदैव 10 मीटर की दूरी बनाकर ही सारे काम करने चाहिए, मतलब कपड़े धोने का काम, नहाने धोने का काम और वो मल त्यागने का काम, ये सब हमें पानी के जस्ट नज़दीक रहकर ये सब नहीं करना चाहिए, जिससे पानी दूषित होने से बचे। ये सब बातें सुन के महिला कहती है कि अब ठीक है, आपने हमें समझा दिया है, तो हम दीवार वाले कुएं से पानी भरेंगे जिससे हमें गंदा पानी न मिले, और हैंडपम्प आदि से भी पानी भरेंगे। इस तरह का कि महिला चली जाती है और भैंस वाला भी, उसकी भी दिमाग की बत्ती खुल जल जाती है और वो कहता है मेरा दिमाग आपने खोल दिया, भैंसों के साथ रहते रहते मैं भी भैंसा मैं भी इनके जैसा बेअक्ल हो गया था, अर्थात ना समझ हो गया था, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैंस वाला भी चला जाता है। तो मंत्री कहता है महाराज से कि देखिए महाराज, आपने मुझसे पूछा था कि हालचाल क्या है हमारी प्रजा का, हमारी जनता का, तो देखिए आप कितना दुखी है और कितनी नासमझ है हमारी जनता। तो महाराज फिर मंत्री से कहते हैं कि आज से हम अपनी जनता को समझाने का उपाय करेंगे, जहाँ जहाँ पानी के स्रोत हैं वहाँ जानकारी के बोर्ड लगवाएंगे, अर्थात उनमें लिखवा देंगे तो वो पढ़ के जान जाएंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, चित्रों द्वारा समझाने का वाले बोर्ड भी लगाएंगे,
जनता को आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए ये सब व्यवस्था करेंगे। वे जान गए कि पानी जो है पीने का जो होता है वो अलग से भरना है और जानवरों को अलग से पानी पिलाना है, इससे पानी दूषित ना हो पाएगा। इस प्रकार से बहुत खूब महाराज कहते हुए मंत्री कहते हैं जनता हमारी समझदार हो जाएगी और वो दूषित पानी की समस्या से मुक्त हो जाएगी। ये जो बात है इसको सुनकर महाराज कहते हैं हाँ, जनता तो जागरूक हो जाए तो वह अपने आप को स्वच्छ बनाएगी अगर जागरूक हो जाएगी। अब मंत्री जब गांव ये कहते हैं हाँ गांव गांव में स्वच्छता की लहर दौड़ जाएगी, हम उनके साथ मिलकर गाएंगे, स्वच्छ माहौल बनाना है, सबको अब चेताना है, देश के कोने कोने में अब खुशहाल और देश के कोने कोने को अब खुशहाल बनाना है। इसका मतलब ये होता है कि कहते हैं कि हमें स्वच्छ वातावरण बनाना है, स्वच्छ माहौल बनाना है, जिससे साफ सुथरा सब जगह रहेगा तो माहौल वातावरण जो हमारा होगा आसपास का वो स्वच्छ होगा। और सबको ये चेताना है, मतलब सबको हमें ये सब चीज़ समझा देनी है और देश 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 के कोने कोने को अर्थात देश में कोने कोने को हमें अब खुशहाल बनाना है, अर्थात सब जगह खुशहाली फैला देनी है। लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारा बहुत अच्छा जो है माहौल होगा, हमें खुशहाली मिलेगी। इस प्रकार से हम ये पाठ पढ़ते हैं, इसका मैंने आपको एक तरह से समरी सारांश बताया है, इसे आप घर में ढंग से पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। इसके कठिन शब्द जो यहाँ मैंने लिख रखे हैं इनमें देख लीजिए, दृष्टि का मतलब होता है नजर, अनसुना का मतलब होता है नहीं सुनने का ढोंग, और बेअक्ल का मतलब होता है ना समझ, आस का मतलब होता है उम्मीद, दूषित का मतलब होता है गंदा, भेजा का मतलब होता है दिमाग। यहाँ भेजा मतलब जो चीज़ हम किसी को भेजते हैं उसके लिए भेजा शब्द प्रयोग नहीं हुआ, ये भेजा हमारे ब्रेन हमारे दिमाग के लिए प्रयोग हुआ है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे, इसका जो रिक्त स्थानों की पूर्ति का पीडीएफ है और क्वेश्चन के आंसर का पीडीएफ है वो आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें।